इसराइल हमास युद्ध की वजह से पूरी दुनिया का शिपिंग कारोबार संकट में आ गया है। हुती लगातार लाल सागर में पश्चिमी देशों के मालवाहक जहाजों और युद्धपोतों पर हमला कर रहा है। यही नहीं, वो यमन के भीतर से घातक मिसाइलें, ड्रोन और रॉकेट इसराइल की तरफ भी दाग रहा है। पहले हुती के हमले सिर्फ लाल सागर तक सीमित थे, लेकिन अब वो बाबल मंदेप, एडन की खाड़ी और हिंद महासागर तक हमले कर रहा है। और अब हुती का कहना है कि वो मालवाहक जहाजों के नए रूट केप ऑफ गुड होप पर भी हवाई हमले करेगा। और इसी बीच हुती ने एक और बड़े हमले का ऐलान किया है। हुती का कहना है कि उसने लाल सागर में अमेरिका के ऑयल टैंकर पर नौसैनिक मिसाइलों से हमला किया है। इसको लेकर हुती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया साहरी का कहना है कि हमारी सेना ने विंग मिसाइलों से अमेरिका के मेडो ईंधन टैंकर पर हमला किया है और इसराइल के ईलत बंदरगाह और रिजॉर्ट इलाके पर भी विंग मिसाइलें दागी गई हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के जिस मेडो ऑयल टैंकर पर हुती ने हमला किया है उस पर मार्शल आइलैंड का झंडा लगा था और ये जहाज सऊदी अरब से एलपीजी लेकर सिंगापुर जा रहा था, लेकिन लाल सागर में हुती ने इस पर हमला कर दिया। हालांकि इक्वेसिस के शिपिंग डेटाबेस से पता चलता है कि ये जहाज नेफ्टोमर शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के नाम पर था, जो ग्रीस की है। हालांकि इस हमले को लेकर नेफ्टोमर ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बता दें कि हुती को ईरान से समर्थन मिलता है, जिसके दम पर वो लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर हमले कर रहा है। लाल सागर में हुती के हमले नवंबर 2023 से जारी हैं। हुती का कहना है कि गाजा के भीतर जब तक इजरायल युद्ध नहीं रोकता तब तक उसके हमले जारी रहेंगे। बड़ी बात यह है कि लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर हमले से दुनिया का शिपिंग कारोबार पूरी तरह से चरमरा गया है और शिपिंग कंपनियां दक्षिण अफ्रीका होते हुए अपने जहाजों को ले जा रही हैं, जो बेहद ही खर्चीला और लंबा है। हालांकि लाल सागर में हुती को रोकने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के भीतर हुती के कई ठिकानों पर मिसाइल हमले और ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें हुती को काफी नुकसान तो हुआ है, लेकिन उसने अभी तक अपने हमले रोके नहीं हैं। बल्कि अब हुती यमन के भीतर उठ रही अपने विरोध की आवाजों को भी दबाने में लगा हुआ है। सबा न्यूज एजेंसी के मुताबिक यमन के केंद्रीय प्रांत अलबायदा में हुती के एक हमले में 18 लोगों की जान चली गई है। बड़ी बात यह है कि यमन का आधे से ज्यादा इलाका हुती के कंट्रोल में है। यहां तक कि राजधानी सना और लाल सागर का प्रमुख बंदरगाह होदेदा भी हुती के नियंत्रण में है और साल 2014 से ही हुती और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमन की चुनी हुई सरकार में गृह युद्ध चल रहा है। यमन की चुनी हुई सरकार को पश्चिमी देशों और सऊदी अरब का समर्थन हासिल है, तो वहीं हुती को ईरान का सपोर्ट मिला हुआ है। Oh,